पठान तू झूठी मैं मक्कार के बाद भोला साल की तीसरी हाईएस्ट कलेक्शन वाली फिल्म बन गई है। दूसरे नंबर पर रणबीर कपूर की तू झूठी मैं मक्कार 215 करोड़ के साथ है और पहले नंबर पर शाहरुख की पठान 1050 करोड़ के साथ बनी हुई है। ऐसे में अजय की भोला ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब ये साल 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म बन गई है। दरअसल अजय देवगन की भोला 14 दिनों से थिएटर में लगी हुई है और ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। ऐसे में बुधवार को भोला का डोमेस्टिक कलेक्शन उम्मीद के हिसाब से कम था। फिल्म ने 14वें दिन देश भर में सिर्फ 55 लाख का नेट कलेक्शन किया था। इसके साथ ही भोला का अब तक का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 76.98 करोड़ हो गया है। लेकिन अजय देवगन की भोला भले ही भारत में कमाई के मामले में पिछड़ती जा रही हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार भोला ने 12 अप्रैल को दुनिया भर में करीब 5 करोड़ 5 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया था और तो और फिल्म ने ओवरसीज में 13.66 करोड़ का कलेक्शन किया है। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन 103 करोड़ 5 लाख रुपया हो गया है। हालांकि ट्रेड पंडितों को उम्मीदें हैं कि भोला आने वाले अपने इस वीकेंड में और कमाई कर सकती है और इंडिया बॉक्स ऑफिस पर भी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है। लेकिन वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना भी अजय के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक यानी कि इस साल में पठान और तू झूठी मैं मक्कार के बाद जो भी बॉलीवुड फिल्में आई हैं वो अब तक कमाल नहीं दिखा पाई है। देखिए, 25 जनवरी को जब पठान आई तो फिल्म ने खूब गदर किया और बाकी की फिल्मों के लिए तूफान बन गई, जिसके बाद फिर कार्तिक की शहजादा उड़ी और फिर अक्षय की सेल्फी भी इस तूफान में उड़ गई। लेकिन फिर होली के मौके पर यानी कि 8 मार्च को रणबीर की तू झूठी मैं मक्कार आई थी और ये फिल्म अब तक थिएटर में लगी हुई है और फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल किया ही, साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड में भी छा गई और दुनिया भर में इसने 215 करोड़ का कलेक्शन किया। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर अजय की भोला 30 मार्च को रिलीज हो गई, जिसके बाद से फिल्म को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन अब तक स्लोली स्लोली फिल्म ने सक्सेस की राह पकड़ ली आखिर और अब ये इस साल की तीसरी 100 करोड़ी फिल्म बन गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 11 करोड़ 20 लाख के साथ खाता खोला था। इसके बाद दूसरे दिन भोला के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन भोला ने मामला संभालते हुए वीकेंड पर छलांग मारी थी और ठीक ठाक कलेक्शन करते हुए करीब 44 करोड़ कमा लिया था। फिल्म ने 8 अप्रैल यानी शनिवार को 3 करोड़ 51 लाख का कलेक्शन किया था, जबकि संडे को महज 4 करोड़ 90 लाख कमाए थे। वही कामकाजी दिन पर यानी कि मंडे को फिल्म ने 2 करोड़ और मंगलवार को 1 करोड़ 15 लाख के करीब का कलेक्शन किया था। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वीकेंड पर भोला कितना कलेक्शन करती है और ईद के मौके पर भी फिल्म क्या कमाल दिखाती है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। खैर, आप बताइए आपको क्या लगता है, भोला आने वाले वीकेंड पर इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी? बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।